भारत के लिए 25 साल का ब्लूप्रिंट और प्रण, समझिए पीएम मोदी के लिए हर प्रण का मतलब क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। आज 15 अगस्त 2022 को भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। लाल किले के प्राचीर में ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी यात्रा का परिणाम है। इस दौरान पीएम मोदी ने 25 साल के पंच प्रण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल के लिए हमें पंच प्रण पर अपनी शक्ति, संकल्पों और सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के वो पांच प्रणों के बारे में जो कि उन्होंने लाल किले से बोला है, और उन पांच प्रणों का मतलब भी समझेंगे। पहला प्रण, विकसित भारत। विकसित भारत, स्वच्छता अभियान, वैक्सीनेशन, 2.5 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन, खुले में शौच से मुक्ति, रिन्यूअल एनर्जी, हम सभी मानकों पर संकल्प से बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रण, 100% गुलामी की सोच से आजादी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुलामी की उसी सोच से मुक्ति का रास्ता है। हमें किसी भी तरह के गुलामी से मुक्ति पानी होगी। हमें विदेशी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप देश की उभरती सोच व ताकत का परिणाम है। तीसरा प्रण, विरासत पर गर्व। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी ऊंचा उड़ेंगे, तभी विश्व को समाधान दे पाएंगे, लिहाजा विरासत पर गर्व जरूरी है। मोटा धान हमारी विरासत का ही हिस्सा है, संयुक्त परिवार हमारी विरासत का हिस्सा है, पर्यावरण की सुरक्षा हमारी विरासत में छिपी है। चौथा प्रण, एकता और एकजुटता। विविधता को सेलिब्रेट करना, जेंडर इक्वालिटी, इंडिया फर्स्ट, श्रमिकों का सम्मान इसी का हिस्सा है। नारी का अपमान एक प्रमुख विकृत है जिससे मुक्ति का रास्ता खोजना होगा। पांचवा प्रण, नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य प्रगति का रास्ता तैयार करता है। यह मूलभूत प्रण शक्ति है। बिजली की बचत, खेतों में मिलने वाले पानी का पूरा इस्तेमाल, केमिकल मुक्त खेती, हर क्षेत्र में नागरिकों की जिम्मेदारी और भूमिका बनती है। तो ये थे वो पंच प्रण जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से पूरे भारत देशवासियों के लिए बोले हैं, और ये आने वाले 25 साल के लिए हमें उन पंच प्रण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। पीएम मोदी ने कहा, हम जीव में शिव देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नारी को नारायणी कहते हैं, हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। ये हमारा सामर्थ्य है, जब विश्व के सामने खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।